कछार जिले के जेल में बंद बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आज स्थानांतरित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को ग्वालपाड़ा जिले के माटिया स्थित ट्रांजिट कैंप में स्थानांतरित किया जाएगा। उधर कछार जिले के जेल में बंद 87 घुसपैठियों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें 22 बांग्लादेशी और 64 रोहिंग्या शामिल है। इन लोगों को पुलिस ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया था। तो आज एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कछार जिले के जेल में बंद बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आज स्थानांतरित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को ग्वालपाड़ा जिले के माटिया स्थित ट्रांजिट कैंप में स्थानांतरित किया जाएगा। कछार जिले के जेल में बंद 87 घुसपैठियों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें 22 बांग्लादेशी हैं और 64 रोहिंग्या शामिल हैं। इन लोगों को पुलिस ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया था। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विक्रम सरकार। विक्रम, इस खबर को लेकर आपके पास और क्या जानकारी है? जैसा कि हमको मालूम है, हमको पता चला है कि 87 जो इलीगल वे से भारत में आए थे, इनको कई जगहों से, असम के कई जगहों से पकड़ा गया। यहाँ पे बराक वैली में भी इनको पकड़ा गया। उन्हीं में से 87 जो है 87 इलीगल सिटीजन्स जो है यहाँ पे आज इनको ट्रांजिट कैंप भेजा जाएगा माटिया ग्वालपारा में, जिसमें से 22 बांग्लादेशी है, 64 म्यांमारी नेशनल है और 1 अफ्रीका के सेनेगल शहर के हैं। और हमारे पास जो अभी खबर है, गुवाहाटी से बांग्लादेश हाई कमीशन से 2 असिस्टेंट काउंसलर आए हैं, जिन्होंने इन 22 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया है। और एक सूत्र हमें यह बताते हैं दुलमुनि कि यहाँ से अभी तो इन 87 जो इलीगल तरीके से घुसे हैं, इनको जहाँ पे रखा गया है, इनको माटिया ट्रांजिट कैंप में भेजा जाएगा। बांग्लादेशियों को जो भी प्रोसेस है उसे बात करके उनको अपने देश भेजा जाएगा, लेकिन म्यांमारी जो है, जो रोहिंग्या है, उस प्रोसेस में अभी उनको डिपोर्ट किया जाएगा कि नहीं, इसमें बातचीत चल रही है, क्योंकि ये 2 देशों का मामला है। म्यांमारी काउंसिल से, हाई कमीशन से भी बात, म्यांमार के हाई कमीशन से बात होगी, लेकिन अभी जो हमारे पास पुख्ता खबर है कि 87 जो लोग हैं इनको सिलचर सेंट्रल जेल से आज डिपोर्ट किया जाएगा माटिया ग्वालपारा में ट्रांजिट कैंप में। दुलमुनी जी, विक्रम, एक और यहाँ अहम सवाल यह उठता है कि जिस तरह से घुसपैठ यहाँ देखा गया है, अब उन्हें दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया जा रहा है, क्या घुसपैठ को रोकने के लिए वहाँ कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे? अगर हम देखें तो पूरे स्टेट में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन किसी तरह से बाकी असम के अलावा बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसके साथ सटे हुए हैं, वहां से भी घुसपैठ किसी तरह से वो लोग कर रहे हैं, या तो इनके हैंडलर्स हैं यहाँ पे जो मैनेज करते हैं, लेकिन काफी जगहों पर बंद की कर दी गई है। कई कई तरीकों से वो लोग अपनी जो पासपोर्ट हैं या कागजात हैं उनको चेंज करके, इंडियन करके वो लोग आ जाते हैं काम करने के लिए। कई शहरों में जाना चाहते हैं, दूसरे असम से, असम के थ्रू वो लोग दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं, दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, तभी इनको पकड़ा जाता है। और कई ऐसे केसेस हैं कि असम में कई जगहों पर ऐसे जो इलीगल लोग हैं, जो अवैध रूप से घुसपैठ करके आए हैं, इनको कई ट्रांजिट कैंप्स में रखा गया है। दुलमुनि जी, विक्रम, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बांग्लादेशी और इन रोहिंग्याओं को आज ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, क्या इन सभी के लिए अलग अलग से, इन्हें अलग अलग से रखने की तैयारी है? दुलमुनी, अभी हमारे पास जो खबर है, 87 लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, ये हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। 3 बजे ये कार्रवाई होगी, उसी वक्त हम लोग बात भी करेंगे। और डेफिनेटली जो महिलाएं हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, सेंट्रल जेल के अंदर जो ट्रांजिट कैंप है, महिला और बच्चों के लिए अलग से इन लोगों का सेक्शन बनाया हुआ है, पुरुषों के लिए भी अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, इन सबको अभी आज भेजा जाएगा वहां पे। दुलमुनी